ये देखिए पनीर चीज़ ड्रम्स तैयार है, आप इसको फटाफट बनाइए, फैमिली में खिल। आज हम लोग बनाएंगे इवनिंग में इवनिंग स्नैक्स, और उसके लिए बनाने जा रहे हैं पनीर चीज़ ड्रम्स। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पनीर लेंगे, इसको हम लोग कद्दूकस करेंगे। हाँ, आप हाथ से मैश भी कर सकते हैं, पर कद्दूकस कर लो ना तो अच्छा से हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट बनाना है हम लोगों को। देखिए हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है, और ये लिया है नारियल। नारियल थोड़ा सा ही चाहिए, और नारियल का ना छिलका उतार लीजिएगा। इसको भी हम लोगों को कद्दूकस कर लिया, हमने तैयारी कर ली है। ये है नारियल जो कद्दूकस किए हुए हैं, ये ग्रीन चिली है, ये कॉर्न है, और ये है ऑरिगेनो, ये धनिया है, ये हल्का प्याज छोटे छोटे टुकड़े हमने काट लिया है, ये रेड कैप्सिकम है, और ये है सेजवान चटनी थोड़ा सा चटपटा होने के लिए, और ये हमने मोजरेला चीज़ को कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, तैयार कर लिया है। चलिए फटाफट ना शुरू करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसी में मिला देंगे। इसको हम लोग, और इसी में ये ना हम लोग डालेंगे सेवई, ये भुनी हुई सेवई है, देखिए रोस्टेड सेवई है, ये हमने भून के रखा हुआ है, आप पहले से ही भून लीजिएगा। ये देखिए इसी में हम लोग मिला देंगे इसको, हो गया। और ये है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग है। ये है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, हल्का सा चाट मसाला डालेंगे बस। और इसको हम लोग मिला देंगे सब अच्छे से। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है, और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रहने देंगे, हल्का सा, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको ढक के छोड़ देते हैं। देखिए ये है ना सोया क्रंच, हम लोगों को थोड़ा सा पिसा हुआ सोयाबीन जो होता है ना, न्यूट्री निगट्स, उसी को, तो हमको थोड़ा महीन चाहिए ये, तो हम लोग इसको मिक्सी जार में डाल के फिर से पीस लेंगे, थोड़ा महीन होना चाहिए, और ये है मोटा तो हम लोग महीन कर लेंगे। ये देखिए ये हमने पीस लिया ना, थोड़ा महीन हो गया है, ये ऐसा ही चाहिए था, इसको हम लोग कर लेंगे। अब ना ये भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम लोग करते हैं आगे। ये देखिए ये तैयार हो गया है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे। हाथ में लगे ना तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, सिंपल नॉर्मल पानी हल्का सा। पहले तो ना इसमें हम लोगों को भरना है चीज़, मोजरेला चीज़, क्योंकि बच्चों को बिना चीज़ का तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, और ख़ास तौर से शाम में तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए ये हम लोग कर लेंगे अंदर, बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है। ये देखिए ऐसे ना हम लोग सबको तैयार कर लेंगे। अब शेप का कोई वो नहीं है, जो आपको पसंद हो, जैसे पसंद हो, बच्चों को जैसे पसंद हो वैसे तैयार कर लेंगे, एक एक करके सबको।
सबको ऐसे ही देखिए ऐसे ही सबको करके तैयार कर लेंगे हम लोग। ये मैं भूल गई थी आपको बताना, ये मैदा है। मैदा ना सिंपल मैदा लीजिए और थोड़ा पानी डाल के इसको हम लोग घोल लेंगे। आप कर लीजिएगा ये देखिए, बस इसको हम लोग इसमें करेंगे ऐसे, देख रहे हैं, इसको करेंगे कोट ऐसे चढ़ा देंगे हम लोग ऐसे, ऐसे ही करके सब रख लेंगे। हमारी कढ़ाई हमने रख दिया गरम होने को, गरम हो रही है और इसी में डाल देंगे ऑयल, ऑयल गरम होने देंगे, गरम हो जाए बस। ऑयल हमारा गरम हो चुका है और अब इसमें हम लोग धीरे धीरे करके आराम से एक एक करके डालेंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके डालना है, इसको हम लोगों को करना है गोल्डन ब्राउन। अब सेलो फ्राई पर डीप फ्राई ज़्यादा ये देखिए ये भी हो गया है तैयार, इसको भी कर लेते हैं हम लोग बाहर। ये देखिए पनीर चीज ड्रम्स तैयार है, आप इसको फटाफट बनाइए, फैमिली में खिलाइए और टेस्ट करिए। ये देखिए ये इसकी सबसे अच्छी बात है ना कि आप इसको बना के रख भी सकते हैं। ये देखिए बना के तैयार करके रख लीजिए और जब आपके गेस्ट आए तो आप उनको फटाफट सर्व करके दे सकते हैं। तो आप इंजॉय करिए इसको और ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और थैंक यू।